हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से गार्डन सुपरिटेंडेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा, जो आपका उद्यान अधीक्षक का पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की वीडियोस और एग्रीकल्चर कंपिटेटिव एग्ज़ाम की क्लासेस, उनके प्रीवियस ईयर पेपर, जॉब की अपडेट्स सब कुछ मिलता रहेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और कोई अगर अपडेट आती है तो वहाँ पर आपको दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं पेपर को। देखिए ऑफिशियल पेपर है और इस पेपर में टोटल आपके 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो शुरुआत के 50 क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो आपके जो है, जो आपका जीके वाला पार्ट था उसके थे, तो इन क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा। जो पार्ट आपका आया था एग्रीकल्चर से और हॉर्टिकल्चर से, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपका, विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन एरिया ऑफ राजस्थान कवर मैक्सिमम एरिया। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही, हाइपर एंड पार्शियल इरिगेटेड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच क्रॉप एमंग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। निम्नलिखित में से किस फसल की कुल जल मांग सर्वाधिक है, तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, सुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनुअल रेनफॉल ऑफ द सेमी एरिड एंड एरिड बेल्ट इज लेस देन। शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द प्लांट इन एडिक्वेट अमाउंट इज नोन एज। मृदा द्वारा पौधों को अधिकतम वृद्धि के लिए पोषक तत्वों को पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता कहलाती है, तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहलाता है, तो ऐसा उपकरण जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है उसको आपका बैरोमीटर कहते हैं, ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ वाटर इक्वल टू, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी समतुल्य होता है, ये आपका होता है 1 लाख लीटर के समतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एजेटोबैक्टर प्लेक्यूटेस्ट इज सेंसिटिव टू सॉइल एसिडिटी एंड आल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डिफिशियंसी सिम्टम रिलेटेड टू। एजेटोबैक्टर प्लंक जांच मृदा की अम्लता के लिए किया जाता है तथा इसे किस तत्वों की कमी की जांच के लिए भी प्रयोग करते हैं, ये पूछा गया इसमें। तो जो 57 नंबर क्वेश्चन है इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फास्फोरस एंड पोटास। नेक्स्ट क्या है आपका, द येलो कलर टैग इज यूज्ड फॉर, जो आपका पीले रंग का टैग होता है ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं आपका ब्रीडर सीड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ टूल सॉरी इज अ टोटल रूट पैरासाइटिक वीड। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही, ओरोबैंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग। टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण किसको जांचने के लिए करते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वेबिलिटी ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फर कंटेंट इन सिंगल सुपर फास्फेट इज। सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक की मात्रा कितनी होती है,
तो ये आपकी होती है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेंसियोमीटर मीजर्स सॉइल मॉइस्चर टेंशन बार ओनली अप टू। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही, 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉल मिनरल पार्टिकल ऑफ लेस देन 0.002 मिलीमीटर इन डायमीटर आर कॉल्ड। मृदा के 0.002 मिलीमीटर व्यास में भी सूक्ष्म खनिज कण क्या कहलाते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लोमी सैंड ऑफ थार डिजर्ट द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट इज 64 का उत्तर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, सैंड 80-90%, सिल्ट 2-5%, क्ले 2-10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ मॉलिब्डेनम अपीयर्स ऑन, ये आपके अपीयर होते हैं लीफ ऑफ लोअर साइट मैच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूट्रिएंट विच इज हेल्पफुल टू इंक्रीज रेजिस्टेंस इन प्लांट अगेंस्ट ड्रॉट हीट फ्रॉस्ट एंड डिजीज। पौधों में सूखा उष्णता पाला व्याधियों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी कंडीशंस आर नोन एज, ऐसे प्लांट को आपका कहते हैं हेलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच स्पीसीज ऑफ राइजोबियम इज सुटेबल फॉर सोयाबीन, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड सही, राइजोबियम जापोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सटेंशन एजुकेशन, 69 का उत्तर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, एडवर्टिजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1952 में, 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम फॉर व्हीट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, भारत में गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये आपका शुरू किया गया था 1965-66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र ऑफ कंट्री वाज स्टार्टेड इन ईयर, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब शुरू हुआ था, ये आपका शुरू हुआ था 1974 में, 1974 में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर जो आपका पौंडीचेरी है वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एज ग्रुप ऑफ यूथ ऑफ टारगेट ग्रुप टू ट्रेन अंडर ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 73 का उत्तर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 18-35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, ये आपका जो है जो कम्युनिकेशन है ये आपका लैटिन वर्ड है, 74 का उत्तर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, कम्युनिस, जो कम्युनिकेशन है ये कम्युनिस वर्ड से लिया गया है, कम्युनिस्ट वर्ड लैटिन वर्ड है जिससे जो है कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियो विजुअल एड, 75 का उत्तर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन लोकेटेड एट कोलकाता वाज फाउंडेड बाई, 70 जो आपका 7 नंबर 76 नंबर जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट किड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज अ वैरायटी ऑफ बोगेनविलिया, 77 का उत्तर आपका ऑप्शन फोर सही हो जाएगा, शुभ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जापानीज गार्डन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, जो आपके जापानीज गार्डन होते हैं ये सर्वोत्तम उदाहरण किसके हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनफॉर्मल स्टाइल। नेक्स्ट क्या है, एक्लिफा श्रब बिलोंग टू द फैमिली, 79 का उत्तर आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा, यूफोरबियेसी फैमिली से जो है एक्लिफा जो श्रब होता है वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड विस्टा इज अ व्यू ऑफ मेन बिल्डिंग ऑफ, मानव निर्मित दृश्य
किसके मुख्य भवन का एक सर्वोत्तम उदाहरण है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोलिएज एनुअल प्लांट? इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही, कोचिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैरी पाल्मर इज अ नेचुरल म्यूटेंट वैरायटी ऑफ? 82 का उत्तर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बोगेनविलिया। नेक्स्ट क्या है, अ शेड लविंग एंड बॉर्डर प्लांट इज? 83 का उत्तर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, सिनेरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द मोर सुटेबल ऑर्नामेंटल ट्री टू कीप इनसाइड अ लॉन? 84 का उत्तर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, अरुकेरिया कुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ रॉयल पाम? 85 का उत्तर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ओरोडॉक्सा रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पॉलीएंथिया लॉन्गीफोलिया इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ? तो 86 का उत्तर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, अशोक। पॉलीएंथा लॉन्गीफोलिया जो है अशोक का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जापानीज गार्डन विच इज कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ प्लांट इज? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सैंड गार्डन। नेक्स्ट क्या है, विच वन इज डबल फ्लावर्ड हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस? 88 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर, महात्मा। नेक्स्ट क्या है, विच वन इज नोन एज ऑरेंज जैस्मिन? 89 का उत्तर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, मुराया एक्जोटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंबर? इसका उत्तर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, फाइकस रेपेंस। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ग्रास फॉर लॉन इज हाईली सुटेबल फॉर लार्ज एरिया विथ द क्वालिटी ऑफ फास्ट ग्रोथ एंड हार्डनेस? 91 का उत्तर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बरमूडा ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन श्रब इज प्लांटेड ऑन बाउंड्री फॉर फेंसिंग इट इज कॉल्ड एस? 92 का उत्तर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, हेडज। नेक्स्ट क्या है, द आर्ट ऑफ क्लिपिंग एंड शेयरिंग श्रब एंड स्मॉल ट्रीज इंटू ऑर्नामेंटल शेप इज नोन एस? 93 का उत्तर आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, टोपियारी। नेक्स्ट क्या है, हर सिंगार और ट्री ऑफ सैडनेस इज नेटिव ऑफ? हर सिंगार को दोस्तों बोलते हैं ट्री ऑफ सैडनेस, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है पूछा गया इसमें, इसका उत्पत्ति स्थान दोस्तों भारत में है, इंडिया। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द एनुअल फ्लावरिंग प्लांट इज सुटेबल टू ग्रो इन हैडजिंग बास्केट? हैंगिंग बास्केट में जो है लगाया जाने वाला वार्षिक फूल का पौधा कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर जो है आंसर की में नहीं दिया हुआ है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका उत्तर आप जो है अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुटेबल टर्म फॉर रोड साइड प्लांटेशन इज? 96 का उत्तर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, एवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुकुलेंट प्लांट? 97 का उत्तर आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, अगेव। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ओरिएंटेशन ऑफ द पॉली हाउस इंश्योर गुड विंटर लाइट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉर्दर्न विंड? 93 का उत्तर आपका हो जाएगा, 98 का उत्तर आपका हो जाएगा सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट ईस्ट वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, मेम बोनसाई यूजली ट्रेंड टू ए हाइट ऑफ? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही, 5 to 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग फ्लावर इज कल्टिवेटेड अंडर प्रोटेक्टेड हाउसेस इन राजस्थान? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही, जरबेरा। नेक्स्ट क्या है, विच केमिकल इज यूज फॉर द ग्रीनिंग ऑफ फ्रूट? इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन फोर सही, इथाइलिन। नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज द नोन एज होम ऑफ? भारत को किसका घर माना जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्पाइसेस का, भारत को मसालों का घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 103, विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एकोमोडेट्स 15% मोर ट्रीज देन द स्क्वायर सिस्टम? पौधे लगाने की किस विधि में वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे रोपित किए जाते हैं? इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड,
हेक्सागोनल, षटभुजाकार विधि में। नेक्स्ट क्या है आपका, एसिडिक सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाई अप्लीकेशन ऑफ, अम्लीय मृदाओं को किसके प्रयोग से सुधार करते हैं, तो इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही, लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूनिंग इज मेनली कंसर्न अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, विच फ्रूट एमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एरिया इन राजस्थान, इसका उत्तर आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा, मैंडरिन। संतरे का जो है एरिया सर्वाधिक है फलों में राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट क्या है, विच बहार इज बेनिफिशियल फॉर पोमग्रेनेट इन राजस्थान, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही, मृग बहार। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्रूट क्रॉप इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मैंगो। नेक्स्ट क्या है, नियर सिटीज विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज कंसाइडर्ड सुटेबल, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हेक्सागोनल सिस्टम। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रोथ हार्मोन यूज्ड फॉर डिलेइंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करिए, इसका उत्तर जो है नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टार्टेड रिसर्च ऑन प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इन अर्ली 1960s, तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही, DRDO। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रोइंग अ प्लांट यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल इज नोन एज, इसको आपका कहते हैं क्या, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हेन वाज द फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्मुलेटेड इन इंडिया, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमंग द फॉलोइंग इज अ क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्या है, इरेडिएशन इज आल्सो नोन एज, विकिरण को और क्या कहते हैं ये पूछा गया इसमें, तो जो आपका विकिरण होता है इसको आपका कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन वेपर हीट ट्रीटमेंट ऑफ मैंगो द रिकमेंडेड टेम्परेचर इज सैचुरेटेड एयर फॉर 8 hours इज, तो इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही, 65 degrees Celsius, सॉरी इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही, 43 degrees Celsius। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चेक स्प्राउटिंग इन ओनियन एंड गार्लिक द मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट ऑफ गामा इरेडिएशन इज, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 GY। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रेनिंग इज एसेंशियल इन, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेप। नेक्स्ट क्या है, पल्प इज हीटेड प्रियर टू स्टोरेज ऑफ फ्रूट एट अ टेम्परेचर ऑफ, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही, 80 to 85 degrees Centigrade टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो इन राजस्थान इज लोकेटेड एट, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही, खेमरी। नेक्स्ट क्या है आपका, जेली सीड फॉर्मेशन इज अ डिजॉर्डर ऑफ विच फ्रूट, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मैंगो। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर ऑफ येलो वेन मोजैक डिजीज इन ओकरा, भिंडी में पीत सिरा मोजैक रोग का कारक क्या होता है, तो इसका जो उत्तर है आपका वो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई। नेक्स्ट क्या है आपका, क्राइसेंथेमम चार्म इज अ वैरायटी ऑफ, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही, मैरीगोल्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी दोस्तों कंफ्यूजिंग है, और इसमें देखिए ऑप्शन में क्राइसेंथेमम भी दिया हुआ है, मैक्सिमम लोग इसमें यही लगा के आएंगे क्राइसेंथेमम ही, लेकिन ये जो है इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा मैरीगोल्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रट लीजिए, ऐसी वैरायटीज एग्जाम में अक्सर आ जाती हैं, क्राइसेंथेमम चार्म आपकी जो है मैरीगोल्ड की वैरायटी है, गेंदा की वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द करेक्टरिस्टिक्स ओडर ऑफ क्यूमिन ऑयल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही, क्यूमिन एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, इसबगोल इज प्रोपोगेटेड थ्रॉट 125, का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर, सीड्स। नेक्स्ट क्या है,
आइडियल एज ऑफ पपाया सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग इज 126 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही, 45 to 60 days। नेक्स्ट क्या है आपका, मेजर कॉज ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ एरियल डिसऑर्डर इन पोमग्रेनेट इज एसोसिएटेड विथ, अनार के दाने एरियल में होने वाले कालेपन दैहिक विकार का मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही, डिले इन हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्या है, अरका मेदुला इज अ वराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपकी अरका मेदुला है ये जो है गुआवा की वराइटी है, अमरूद की वराइटी है। नेक्स्ट क्या है, डेट पाम इज, खजूर क्या होता है आपका, खजूर जो है आपका ये होता है क्रॉस पॉलिनेटेड। नेक्स्ट क्या है, द पर्पल ब्लॉच डिजीज ऑफ ओनियन इज, प्याज की पर्पल ब्लॉच बीमारी कैसी होती है, तो ये आपकी जो है फंगल डिजीज है, फफूंद से लगने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर द रोज फ्लावर्स, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही, 2 to 3 degrees Celsius। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉसम इन डिजॉट अ सीवियर डिसऑर्डर और इन टोमेटो इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, टमाटर में होने वाला प्रमुख विकार ब्लॉसम इन द रोट किस की कमी से होता है, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कैल्शियम की कमी से ये डिजीज़ काज होती है टोमेटो में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in की लिंक मिल जाएगी, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप पर आपको एग्रीकल्चर कंपिटेटिव एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस पर, उनको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा जिसको आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वर्षा उपहार इज अ वराइटी ऑफ, वर्षा उपहार जो आपकी है ये आपकी ओकरा की वराइटी है। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओनियन वराइटी सुटेबल फॉर पिकल मेकिंग, प्याज की कौन सी प्रजाति अचार बनाने के लिए उपयुक्त है, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एग्री फाउंड रोज। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 135, द बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ ग्लैडियोलस इन प्लेन्स इज, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अगस्त टू अक्टूबर। नेक्स्ट क्या है, हॉट फर्टिलाइजर डोज इज रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ क्राइसेंथेमम, इसका उत्तर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, 200:150:100 kg NPK पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्या है, गोमा यसी इज अ वराइटी ऑफ, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बेल की वराइटी है ये। नेक्स्ट क्या है, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर इज कास्ट ड्यू टू, बटनिंग जो आपका होता है कॉलीफ्लावर में ये जो है लिमिटेड नाइट्रोजन सप्लाई की वजह से होता है और ट्रांसप्लांटिंग ऑफ वेरी ओल्ड सीडलिंग की वजह से होता है, यानी कि आपका जो बटनिंग होता है ये नाइट्रोजन की कम आपूर्ति से होता है और अधिक पुरानी पौध की रोपण से होता है। तो 138 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन फोर सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्या है आपका, द प्रोटीन कंटेंट ऑफ गार्डन पी इज अप्रॉक्सीमेटली, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 7%। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डे टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन इन लेमन ग्रास, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 25 to 30 degrees Celsius टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑप्टेंड थ्रॉट, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सेल कल्चर। नेक्स्ट क्या है आपका, दी रेज्ड नर्सरी बेड्स आर प्रिपेयर्ड अबाउट फिल इन द ब्लैंक सेंटीमीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, पौधशाला की उठी हुई क्यारियाँ जमीन से कितनी ऊंचाई पर बनाई जाती हैं, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 15 to 20 centimeters। नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर सॉइल सोलराइजेशन इज, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जून मई जून। नेक्स्ट क्या है, द प्लांट फ्रॉम विच द वेरियस पार्ट आर कलेक्टेड फॉर प्रोपोगेशन आर नोन एज, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मदर प्लांट। नेक्स्ट क्या है आपका, विच इज कमर्शियली यूज्ड एज रूटिंग मीडियम इन एयर लेयरिंग, वायवीय दाब में कौन सा मूलोत्पत्ति माध्यम व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर, स्फैग्नम मास। नेक्स्ट क्या है आपका,
फिल इन दी ब्लैंक्स इज द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ नर्सरी, पौधशाला में सर्वाधिक लगने वाली व्याधि कौन सी है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन जो होती है डैम्पिंग ऑफ, जो कि फंगस से लगती है, ये जो है मेन डिजीज होती है नर्सरीज की। नेक्स्ट क्या है, यूजली डैश 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 ओल्ड शूट्स आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग हार्डवुड कटिंग, कितने वर्ष की आयु में हार्डवुड कटिंग के लिए कलमों का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही, 1 ईयर। नेक्स्ट क्या है, विच मैथड ऑफ लेयरिंग इज आल्सो नोन एज स्टूल लेयरिंग, इसका उत्तर आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, माउंड लेयरिंग। नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज रूट स्टॉक ऑफ बेर इन नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में कौन सा सर्वोत्तम मूलवंत है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, जिजिफस मोरिटियाना वराइटी टोटंडी फोलिया। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच फ्रूट एमंग द फॉलोइंग इज मेनली प्रोपगेटेड बाई ऑफ शूट सकर्स, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही, डेट पाम। डेट पाम का जो प्रोपगेशन होता है वो सकर से होता है। तो दोस्तों ये था आपका उद्यान अधीक्षक परीक्षा का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और एग्रीकल्चर और एलाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसकी जॉब की अपडेट्स के लिए, क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।